तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप पूरी क्राइम तक फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया। जिस तरीके से पिछले दो दिनों से लगातार बर्थडे के मैसेजेस, विशेस, दुआएं मुझे मिली, वाकई बहुत इमोशनल भी हो गया। इतनी अच्छी फैमिली, इतना सारा प्यार मिलता है। बहुत सारे लोगों की कोशिश की मैं जवाब देने की, पर्सनली मैंने मेल भी किया, व्हाट्सएप भी किया, कुछ लोगों के आज मैं नाम भी है मेरे पास, नोट करके लाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है हर एक को मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। लेकिन इस कहानी के ज़रिए, इस कहानी के माध्यम से तहे दिल से सच में शुक्रिया, और मेरी टीम का भी शुक्रिया जिसने इतना खूबसूरत एक वीडियो बनाया। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, वो वीडियो मैंने कल सुबह ही देखी, जिसमें मेरे ही कुछ दोस्त, क्लीग, सीनियर, जूनियर मेरे ही राज खोल रहे थे। और ये सच है कि उन्होंने जितना कुछ कहा, जो राज खोला, वो सब सच था। तो सारी चीज़ें सच्चाई थी और मेरे लिए भी सरप्राइज़ था वो। तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बर्थडे के विशेस के लिए। बस आपका प्यार यूं ही बना रहे। अब आज की कहानी पर आते हैं। कई कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें कई बार, पहले भी मैंने कहा है कि कहानी तो सुना देता हूं, बता भी देता हूं, रिसर्च भी करता हूं, फिर ख़ुद भी यकीन नहीं होता कि वाकई ऐसा होता है। लेकिन सारे सबूत होते हैं, गवाह भी हैं, किताबों में पन्ने पे दर्ज भी हैं, तो फिर ना मानने की कोई वजह नहीं होती। आज की कहानी रशिया यानी रूस के एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे कुछ लोग पागल कहते थे, कुछ फ़कीर कहते थे, कुछ पहुंचा हुआ बाबा कहते थे, कुछ सनकी कहते थे, कुछ जर्मनी का जासूस कहते थे। कुछ का ये भी कहना था कि उसके अंदर ज़बरदस्त शक्ति थी सामने वाले को सम्मोहित करने की, मतलब उसका दिमाग अपने वश में करने की। एक गरीब परिवार से, जिसका बचपन से कोई मन नहीं लगता किसी काम में, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर चोरी करता है, अदालत में पेश किया जाता है, अदालत उसे सज़ा भी देती है, लेकिन अनोखी सज़ा, कहती है कि तुम तीर्थ यात्रा करो, पैदल जाओ, और करीब 500 कुछ किलोमीटर पैदल चलने का हुक्म सुनाती है। फिर वो एक जगह पहुँचता है और वहाँ जाकर सीधे शाही परिवार के घर का सबसे ख़ास बन जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी मर्ज़ी के बिना शाही परिवार कोई भी फैसला नहीं लेती। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर वो ज़िंदा होता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही ना होता। तो ये सारी चीज़ें एक शख्स के साथ जुड़ी है, और उसकी मौत की भी कहानी अजीब है। उसको साइनाइड दिया गया, फिर भी नहीं मरा, 3-3 गोली मारी गई, फिर भी नहीं मरा, बल्कि उठ के खड़ा हो गया। उसके बाद फिर उसे बुरी तरह मारा गया और आखिरकार ले जाकर बर्फीले पानी में, एक नदी में उसे डुबो दिया गया, तब जाकर कहीं उसका दम निकला। मैड मॉन्क इस नाम से भी मशहूर है ये शख्स। तो आज की जो कहानी है वो है रूस के ऐसे ही, जिस शख्स के बारे में मैंने अभी इतना कुछ कहा, रास्पुतिन, ग्रिगोरी रास्पुतिन की कहानी है। पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है। 1869 जब बापू यानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तब रास्पुतिन का भी जन्म हुआ था 1869 में, वो भी साइबेरिया के एक इलाके में जो ठंड के लिए काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में। एक किसान परिवार में रास्पुतिन का जन्म हुआ, 9 भाई बहन थे, लेकिन 4 भाई बहन बचपन में ही उनकी बीमारियों की वजह से मौत हो गई, 5 बचे। बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही था, लेकिन रास्पुतिन बचपन से ही अलग था। भाई बहनों से उसे उतना लगाव नहीं था, माँ बाप से भी बहुत कम बातें करता, दोस्त बनाए नहीं, हमेशा तन्हा रहता, अकेला रहता, खुद से ही बातें करता। कभी जंगल चला जाता तो जानवरों से बातें करता, कभी खुद आसमान की तरफ देखता और ऐसा लगता जैसे भगवान, अल्लाह, ईश्वर से बात कर रहा है। तो अजीब सा बिहेवियर उसका बचपन से ही था, तन्हा रहना पसंद था, खुद से बातें करना पसंद था, किसी काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, स्कूल गया नहीं, घर वालों ने खेती में लगाई, वहाँ पर खेती में ढंग से काम नहीं किया, अस्तबल में लगाया, लेकिन अस्तबल में जानवर थे तो उसे लगा कि यहाँ इंसान तो है नहीं, तो वहाँ उसे मन लगा, वो घोड़ों से और बाकी जानवरों से खुद बातें करता, जंगल निकल जाता, जंगल में जानवरों से बात करता, तन्हाई में बड़बड़ाता रहता। जब ये चीज़ें लोगों ने देखी तो उसे पागल कहने लगे, माँ बाप को चिंता होने लगी कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या हो गया, इसके दिमाग में क्या है। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहीं, थोड़ा बड़ा हुआ तो लगा कि शादी कर देते हैं, शायद ये कुछ बदलाव आए। शादी हो गई, उसके 3 बच्चे हुए, लेकिन तीनों की मौत हो गई, फिर बाद में 3 और बच्चे हुए, लेकिन जब 3 बच्चों की मौत हुई तो उसका फिर से मन उचाट हो गया। उसके बाद वो इधर उधर भटकने लगा, इसी दौरान में शराब पीने की आदत लग गई, शराब के लिए पैसे नहीं थे तो वो चोरियां करने लगा, और चोरी करते करते
एक लत लग गई उसे चोरी की। इधर पूरी दुनिया में उस दौरान में 19वीं सदी की शुरुआत में उथल पुथल थी। हर देश दूसरे देश पर वर्चस्व हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जंग की तैयारियां चल रही थी। तो इसी दौरान में साइबेरिया के एक दूर दराज के गांव में रास्पुतिन का बचपन और फिर जवानी आई। एक बार चोरी करते हुए ये पकड़ा गया और उसके बाद इसे अदालत में पेश किया गया। लेकिन जब अदालत में पेश किया गया तो इसका बर्ताव वैसे ही था। वकील को भी पता चला माँ बाप के ज़रिए कि बचपन से ही ऐसे ही है। वकील ने अदालत से कहा कि इसके साथ रहम किया जाए, इसकी जो सोच है और इसका बर्ताव है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अदालत ने भी फिर कहा कि चलो इसके साथ थोड़ी सी रहम बरतते हैं। और 1897 की बात है, 1897 की, जब अदालत में रास्पुतिन को सज़ा देने की बजाय ये कहा कि तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम पैदल तीर्थ यात्रा पर निकलो और करीब 523 किलोमीटर सर्बिया के उस इलाके से एक चर्च है दूर, तो तुम वहाँ तक पैदल जाना है तुम्हें और यही तुम्हारी सज़ा है। ग्रिगोरी रास्पुतिन की शायद इस सज़ा ने ही ज़िंदगी बदल दी। अदालत के आदेश अनुसार वो अपने घर वालों से मिलता है, विदा लेता है, जेब में पैसे नहीं, बाकी कुछ चीज़ें नहीं। अब वो तन्हा अकेले निकल जाता है, 523 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, वो भी पैदल, खाने पीने का सामान नहीं, और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। इस तीर्थ यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया। चलते चलते कभी कोई शख्स मिल जाता, कुछ खाना देता, वो खा लेता, कोई गांव से गुजरता, गांव वाले कुछ दे देते तो वो खा लेता, कहीं पे भी सो जाता। वक्त बीतता जाता है, बाल दाढ़ी सब बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो अपना पैदल चलता जाता है। इस दौरान में बहुत सारे चर्च मिलते हैं, बहुत सारे फादर मिलते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग मिलते हैं, उनके ज़रिए वो धार्मिक चीज़ें भी सीखता है, समझता है। फिर वो एक मॉनेस्ट्री में जाता है, वहाँ पे वो मॉन्ग बनता है, कुछ दिन वहाँ रहता है, लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं करता पर धार्मिक चीज़ें सीख जाता है। और उसके बाद अब फिर आगे का सफ़र तय करता है। आगे अब जब भी कोई इंसान मिलता वो उसे बाइबल और बाकी चीज़ों की सीख देता। जो लोग उस चीज़ों को मानते वो उसे एक बाबा के तौर पर देखते, जो उसकी बातों को नहीं मानते वो उसे पागल और सनकी कहते। और इसी तरीके से वक्त बीतता रहा, 523 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, करता रहा, और आखिरकार वो उस चर्च में पहुंचता है जहां पे उसे जज ने जाने के लिए कहा था। उस चर्च में जाने के बाद वहां के फादर के शागिर्दी में वो वहां पे रहता है, बाइबल के बाकी सारी चीज़ें सीखता है, धर्म के बारे में जानकारी हासिल करता है और अपनी ज़िंदगी जो है वो ईश्वर के नाम पर समर्पित कर देता है। कुछ दिन के बाद उस चर्च के फादर उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, अब तुम यहाँ से आगे जाओ। चूँकि उसे जज ने कहा था, अदालत ने कहा था कि 523 किलोमीटर दूर एक चर्च में तुम्हें जाना है, यही सज़ा है, पैदल जाना है, तो वहाँ तक तो आ गया। लेकिन इस 523 किलोमीटर के सफ़र ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो रास्पुतिन एक अलग इंसान बन चुका था, वो एक तरह से एक बाबा बन गया, एक फ़कीर बन गया, एक संत बन गया, एक मॉन्क बन गया। लेकिन फिर भी जब उसका मूड होता और अगर कोई उसे ज्ञान देता या उसे कुछ हुक्म देता तो कई बार वो नहीं मानता और उनका विरोध करता, और इसीलिए उसे मैड मॉन्ग तक कहा गया। तो उस चर्च के फादर को भी इसके इस बिहेवियर के बारे में पता था। फिर उन्होंने उसे सुझाव दिया कि तुम यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग जाओ और अब आगे की ज़िंदगी तुम्हारी वहीं लिखी है। इस दौरान में, इस सफ़र के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसने रास्पुतिन को भी एहसास दिलाया कि उसके अंदर कुछ अलग चीज़ें हैं। उसकी शारीरिक बनावट बचपन में कमज़ोर था, हड्डियाँ कमज़ोर थीं, आँखें कमज़ोर थीं, वो धीरे धीरे ज़्यादा बेहतर हो गई। और कई बार कई लोगों को वो गुस्से में या प्यार से कुछ कहता, वो बातें सच हो जाती। कुछ परेशान आते उसके पास तो बोलता, जाओ कल से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली होगी, वो ठीक हो जाता और अगले दिन से वाकई ऐसा होता। तो कुछ लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें आई कि वो रास्पुतिन को लेके लगा कि ये कोई चमत्कारिक इंसान है और जो कहता है सच कहता है, जो भविष्यवाणी करता है वो सच होता है। धीरे धीरे इसके चर्चे होने लगे और ये चर्चे उसी चर्च में ही रहने के दौरान होने लगे थे जब यहाँ पे ये पहुँचा था अदालत के हुक्म पर। इसके बाद ये सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद ये फिर उसी तरह की अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इस दौरान में अब 1897 में सज़ा हुई थी, 3-4 साल बीत गए और 19वीं सेंचुरी की शुरुआत हो गई
और उस वक्त पूरी दुनिया जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, एक दूसरे पर कब्जे की बात हो रही थी। और 1905 में रूस और जापान के बीच एक ज़बरदस्त जंग हुई थी। हालांकि रूस के पास सैनिक क्षमता ज़्यादा थी, उनके पास सैनिकों की तादाद भी ज़्यादा थी जापान के मुकाबले, लेकिन उनकी प्लानिंग, रणनीति ये सब थोड़ी सी ठीक नहीं थी, और उसकी वजह से रूस जापान से ये जंग बुरी तरह हार गया, जिसका गुस्सा वहाँ के सैनिकों में भी था, हम लोगों में भी था। और उन्हें ये लगा कि ये सब कुछ राजशाही परिवार की वजह से नहीं है। उस दौरान में रूस के अंदर निकोलस सेकंड राजा जो थे, उनकी शाही हुकूमत चल रही थी रूस के अंदर, राजा निकोलस सेकंड की, और उनकी पत्नी का नाम था अलेक्जेंड्रा, जो कि एक जर्मन सिटीज़न थी। बाद में वो राजा निकोलस के साथ उनकी शादी हुई, यही रहने लगी। इसी दौरान सेंट पीटर्सबर्ग रास्पुतिन भी पहुंच चुका, और एक बाबा के तौर पर वो जो कहता भविष्यवाणी, अब धीरे धीरे वो उसकी चर्चा होने लगी, मशहूर होने लगा। इधर कहानी में करवट ये बदलती है कि राजा निकोलस और अलेक्जेंड्रा का एक ही बेटा था, और बड़ी मन्नत के बाद वो बेटा हुआ, अब शाही परिवार का वो अगला वारिस था। अगर वो ना होता तो शाही परिवार का अगला कोई वारिस ना होता, तो इसलिए उसकी बड़ी लाड प्यार और वही उससे परवरिश हो रही थी। लेकिन इसी दौरान में पता चला कि जो निकोलस का बेटा था और अलेक्जेंड्रा का बेटा था, उसका नाम था अलेक्सई। अलेक्सई को एक बीमारी है, और हीमोफीलिया, और इस बीमारी में एक सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि अगर उसे कहीं शरीर में कोई कट का निशान लग जाए तो फिर लगातार खून बहता रहेगा, और उसकी जान जाने की भी मतलब पूरी संभावना है। और इस बीमारी का उन्होंने जितना इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो राजा निकोलस के परिवार का इकलौता वारिस, इकलौता बेटा अलेक्सई, और उसकी तबीयत ख़राब, एक गंभीर बीमारी, तमाम उन्होंने इलाज करा लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। इसी दौरान किसी ने शाही महल में अलेक्जेंड्रा को रास्पुतिन के बारे में बताया कि एक शख्स है जो सर्बिया से निकला, तीर्थ यात्रा की, उसके बाद वो अभी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा है, और उसके अंदर बड़ी कला है, वो जो भी कहता है सच होता है, औषधि है, बाबा है, और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा शफा है, तो एक बार राजकुमार को अगर उसको दिखाएं तो शायद कुछ भला हो। चूँकि एक बीमार शख्स जब होता है या परेशान माँ बाप या कोई भी, तो ऐसे में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें बताता तो एक उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है। तो राजा और रानी भी परेशान, अपने बेटे को लेकर, वारिस की ज़िंदगी भी बचानी है, जो कि शाही वंश को आगे बढ़ाना है, हर तरफ से इलाज करके थक चुके हैं, कुछ हुआ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चलो इस बाबा को भी आजमा लेते हैं। और इसी के बाद रास्पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग में जो मौजूद था उसे शाही महल में पहली बार बुलाया जाता है। रास्पुतिन शाही महल में पहुँचता है, वहाँ जाने के बाद उसे बताया जाता है कि ये अलेक्सई राजकुमार हैं, उनकी माँ अलेक्जेंड्रा वहाँ पर मौजूद, वो सारी कहानी बताती हैं। जो कहानियों में जिक्र है वो ये है कि इसके बाद रास्पुतिन राजकुमार के पेशानी पे हाथ रखता है, ना उसकी नब्ज देखता है ना बाकी चीज़ें, और जिस दिन ये गया था उस दिन उसको 2-3 दिन से बुखार था, और तेज़ बुखार, बुखार उतर नहीं रहा था। शाम के वक्त ये पहुँचता है और राजकुमार को देखता है, राजकुमार के सर पर हाथ रखता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद महल से निकलने लगता है, और राजकुमारी अलेक्जेंड्रा को जो महारानी थी उनको बोल कर जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये संयोग कहिए, इत्तेफाक कहिए, या कुछ और कहिए, कि शायद 3 दिन बाद उसी दिन बुखार उतरना था या क्या था, अगले दिन सुबह राजकुमार अलेक्सई की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। न बिल्कुल तबीयत सिर्फ ठीक नहीं होती, बल्कि अब उसके स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार होता जाता है। जिस बीमारी से ये लोग महीनों से परेशान थे, वो बीमारी अब धीरे धीरे करके दूर होने लगती है, और जिसके बारे में ये था कि पता नहीं कब तक ज़िंदा रहेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये चीज़ अलेक्जेंड्रा के दिल में घर कर जाती है, उसे लगता है कि जो कुछ हुआ है ये रास्पुतिन की वजह से हुआ है। इसके बाद रास्पुतिन को बाकायदा महल में बुलाया जाता है और उसकी खातिर होती है। राज महल की महारानी अलेक्जेंड्रा पूरी तरह से फिदा थी रास्पुतिन के ऊपर। इस दौरान में कुछ दिनों तक उसका आना जाना होता और वो कुछ चीज़ें बताता, और इत्तेफाक की बात है वो सारी चीज़ें सच होती जाती हैं। जब उसकी सारी भविष्यवाणी एक एक कर सच होती जाती है, यहाँ तक कि वो जंग के बारे में बताता है कि इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, तो कई मोर्चे पर हार हुई थी, जहाँ जहाँ उसने बताया वहाँ वहाँ जीत हुई, तो इन सारी चीज़ों ने राजमहल में रास्पुतिन का कद बहुत बढ़ा दिया। इसके बाद ये हुआ कि अब वो राजमहल में ही रहने लगा।
फिर धीरे धीरे वो महारानी के बेहद करीब आया। रासपुतिन की ज़िंदगी की दो ही चीज़ें थी, एक वो औरतों के बेहद करीब रहता था और बहुत सारे औरतों के साथ उसके रिश्ते थे। महारानी पूरी तरह से उसके एक तरह से कब्ज़े में आ गई थी। रासपुतिन के बारे में एक चीज़ और थी कि वो जो दूसरों को अपने वश में करना यानी सम्मोहन की शक्ति थी उसके अंदर, और वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। कहते हैं इसी वजह से उसने बहुत सारी औरतों को अपने वश में किया और उनके साथ रिश्ते बनाए, और यहाँ तक कि महारानी के साथ भी इसके लव अफेयर के किस्से चले। यहाँ तक कि इसको लव बाबा के नाम से भी पुकारा गया जो इतिहास के पन्नों में है। तो धीरे धीरे रानी के साथ भी इसके रिश्तों के चर्चा शुरू होने लगे, और अब राजमहल में सारी चीज़ों में इसका दखल शुरू हो गया रासपुतिन का। जो भी बड़े फैसले अहम फैसले होते उसमें रासपुतिन के फैसले ज़रूर लिए जाते। एक तरह से वो उस पूरे निकोलस शाही परिवार का सबसे बड़ा सलाहकार बन गया। उसके कहने पे मंत्रिमंडल में कौन होगा, कौन बाहर जाएगा, कब किससे क्या होगी, फ़ौज को कहाँ रखना है, किस देश के साथ क्या करना है, ये सारी चीज़ें सारी बातें वो बताता रहा। शुरुआत में सब कुछ सही रहा, उसकी बातें भी सही साबित होती गईं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब जापान और रशिया वाली बात आई, उस दौरान में हार भी हुई और उसको लेके वहाँ के लोगों में बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा इस बात पे आया कि शाही जो परिवार है वो इतनी बड़ी हार हुई इतनी बड़ी सैनिक क्षमता के बावजूद जापान से, और शाही महल एक बाबा और एक शख्स जिसका नाम रासपुतिन है उसके ही विचार और उसके ही कहने पे चल रहा है और अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे। तो इस चीज़ को लेकर लोगों में गुस्सा भी था, और इसी के बाद फिर एक बार वहाँ के लोगों में गुस्सा आया, उसमें बहुत सारे मज़दूर और बाकी लोग थे, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में शाही महल के ऊपर धावा बोलने का तय कर लिया। ये खबर राजमहल तक पहुँची, राजमहल ने सेना को आदेश दिया, इसके बाद सेना ने उन लोगों पर गोलियाँ चलाई, बहुत सारे लोग मारे गए जो विद्रोह करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और इसको खूनी रविवार खूनी संडे यानी कि ब्लडी संडे के नाम से रूस में जाना जाता आज भी। तो उसके बाद खैर ये चीज़ें ख़त्म हुई, लेकिन शाही परिवार उसके बाद से डर गया था। इस दौरान में भी रासपुतिन के साथ शाही परिवार का रिश्ता वैसे ही रहा, और वो लगातार शाही परिवार का एक तरह से सलाहकार बना हुआ था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब वक्त बीता और हालात बेकाबू होने लगे, उधर कम्युनिज्म भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी और लेनिन की वो उनका भी विद्रोह और स्वर धीरे धीरे रूस में उठ रहा था, और इसी बीच में हुआ ये कि एक राजा निकोलस के भतीजा जिसका नाम था फेलिक्स यूसुपोव के ये भतीजा था निकोलस का, कुछ अपने ख़ास लोग थे जो राजा के मंत्रिमंडल में थे। कुछ मंत्रियों को जब हटाया गया तो उसमें रासपुतिन का नाम था, और उसने कुछ मंत्रियों को हटाने की सिफारिश कर दी। उनमें से राजकुमार फेलिक्स के कुछ अपने लोग भी थे। राजकुमार फेलिक्स उनमें से था जो राजा निकोलस को हटाकर गद्दी पर कब्ज़ा करना चाहता था, और उसे लगा कि अगर रासपुतिन जब तक यहाँ रहेगा इसी की सलाह मानी जाती रहेगी तो ये उसके लिए एक रोड़ा है। तो कहते हैं कि राजकुमार फेलिक्स ने रासपुतिन को रास्ते से हटाने की एक साजिश रची, और ये साजिश रची गई 30 दिसंबर को। राजकुमार फेलिक्स अपनी पत्नी जो कि शाही परिवार की थी उससे उसके नाम पे रासपुतिन को अपने महल में बुलाता और कहता वो मिलना चाहती है उसकी वाइफ। रासपुतिन देर रात पहुंचता है महल में, लेकिन वहाँ साजिश और थी। राजकुमार फेलिक्स उसे केक में साइनाइड डालकर देता है, रासपुतिन वो साइनाइड खा लेता है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो उस साजिश में जितने लोग शामिल थे राजकुमार के वो देख के हैरान रह जाते हैं, साइनाइड के ज़रिए तो कुछ सेकंड के अंदर मौत हो जानी चाहिए, ये वैसे ही खड़ा हुआ है। इसके बाद जब उसे लगता है कि ये मर नहीं रहा तो वो गुस्से में आ जाता है, उसके बाद वो पिस्टल निकालता और सीधे निकाल कर पहली गोली मारता, पेट में लगता है। रासपुतिन नीचे गिरता है लेकिन फिर उठता है। इसके बाद उसे 3 गोली मारी जाती है, लेकिन रासपुतिन उसके बावजूद उठकर उसको पकड़ लेता है। फिर उसे चारों तरफ से पकड़कर पीटा जाता है बुरी तरीके से, और ये सब करने के बाद उसको वहीं एक नदी जिसमें उस वक्त ठंडा पानी बर्फीला पानी एक कपड़े में लपेटकर जब वो बेहोश हो गया उसे ले जाकर पानी में डुबो दिया जाता है।
अगले दिन सुबह रास्पुतिन की मौत की खबर पूरे रूस में फैलती है, क्योंकि शाही परिवार का एक ताकतवर शख्स था। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में एक अजीब सी हैरान करने वाली चीज़ मिलती है, और वो चीज़ ये थी कि जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें पता चला कि रास्पुतिन की मौत न तो गोली से हुई, न साइनाइड से हुई, बल्कि लंग्स में पानी था और मौत डूबने से हुई। तो ये एक अजीब चीज़ थी कि एक शख्स को 3 गोली मारी गई लेकिन उसकी मौत गोली से नहीं हुई। एक शख्स को साइनाइड दिया गया, उस शख्स की मौत जहर से भी नहीं हुई, उस शख्स की मौत हुई बल्कि डूबने से। इस मौत को लेके काफ़ी उस वक्त हंगामा हुआ, लेकिन चूँकि शाही परिवार का मामला था तो दबा दिया गया। और शाही परिवार ने एक अपने ही जो उनका अपना जहाँ पे सारे लोगों को दफनाया जाता था वहाँ रास्पुतिन को दफनाया गया। इसके बाद कुछ वक्त बीतता है, 2017 में राजकुमार फेलिक्स जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई उसके डर से वहाँ से भागकर दूसरे देश में पनाह ले लेता है। उसके बाद वो 80 साल के बाद उसकी मौत होती है, जबकि राजा निकोलस और उनके पूरे परिवार का 2000 कह रहा हूँ उस साल 1918 में पूरे परिवार का खात्मा राजमहल में कर दिया जाता है। पूरे परिवार को मार दिया जाता है, राजा निकोलस और उनके पूरी फैमिली को। और जो राजकुमार था जिसने जान ली थी रास्पुतिन की, उनकी मौत जो है का जिम्मेदार वो एक साल पहले 1917 में ही रूस छोड़कर भाग जाता है और उसके बाद किसी और देश में रहता है। तो उसकी जान तो बच गई, लेकिन लेनिन और उनके समर्थकों ने राजा निकोलस और उनके पूरे परिवार का उसी महल में खात्मा कर दिया था। आज भी रास्पुतिन को रूस में उसी तरीके से याद किया जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सबसे अहम कहानी और, आपने कई फिल्में या टीवी सीरियल बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिसमें शुरू में लिखा हुआ आता है कि ये मतलब काल्पनिक कहानी है, ये है इसका सच्ची घटनाओं से या किसी जिंदा या मुर्दा शख्स से कोई लेना देना नहीं, एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ आता है, आपने अक्सर देखा होगा फिल्म की शुरुआत में। तो ये जो लिखा आता है डिस्क्लेमर कि इसका किसी पात्र, किसी जिंदा या मुर्दा या किसी संस्थान या किसी देश उससे लेना देना नहीं है, एक काल्पनिक कहानी है, कुछ कुछ ये लिए गए हैं, इस डिस्क्लेमर की वजह भी यही ग्रिगोरी रास्पुतिन है। इसी रास्पुतिन की वजह से पूरी दुनिया की सिनेमा जगत में, पूरे दुनिया के सीरियल में ये डिस्क्लेमर लिख के आता है। और ये ऐसा इसलिए हुआ कि जब रास्पुतिन की मौत हुई उसके बाद रास्पुतिन के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, और उस फिल्म में रास्पुतिन को दिखाया गया था कि कैसे वो औरतों का भूखा है, उनको अपने वश में करता है, उनके साथ सेक्स संबंध बनाता है, सारी चीज़ें थी। और इसी राजकुमार फेलिक्स जो कि उसका कातिल था, उसकी जो वाइफ थी आइरिन उनका नाम था, जो राजा निकोलस के शाही परिवार से थी। तो इस फिल्म में ये दिखाया गया था कि रास्पुतिन ने आइरिन का भी रेप किया है, और उस वक्त आइरिन जिंदा थी, रूस से भागकर अपने पति के साथ किसी दूसरे देश में पनाह ले रखा था। तो जब ये फिल्म आई, ये MGM प्रोडक्शन की फिल्म थी, तो आइरिन ने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस पे केस ठोक दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ना इस तरीके से मेरे साथ रेप हुआ था, जो फिल्म में दिखाई गई ये कहानी ये झूठी है। तो इसके बाद जब केस किया तो मामला अदालत में गया, और फिर अदालत ने फैसला सुनाया और एक भारी जुर्माना इस फिल्म कंपनी को देने के लिए कहा गया, और इस फिल्म कंपनी, इस प्रोडक्शन हाउस ने आइरिन को एक भारी जुर्माना दिया। इसी केस के बाद से पूरी दुनिया की फिल्मी जगत में अक्सर फिल्मों की शुरुआत में ये डिस्क्लेमर लिखा आता है कि ये एक काल्पनिक चित्र है, काल्पनिक चलचित्र है, इसके किरदार और ये अगर किसी से मिलते जुलते हैं तो हमारा इरादा भावनाओं को ठेस नहीं, कुछ कुछ चीज़ें। तो ग्रिगोरी रास्पुतिन के नाम ये भी रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया के फिल्मों में डिस्क्लेमर अगर चला तो ये इसी की वजह से चला। तो ये थी कहानी उस शख्स के बारे में रूस के, जिसकी पहुंच एक साइबेरिया के गांव से निकलकर वो किस तरीके से राजमहल तक पहुंचता है और फिर क्या कुछ होता है। अब आपको मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश किए, कुछ लोगों के मैं नाम नोट करके लाया, कुछ लोगों को बहुत सारे मैंने लिख के भी भेजा था। तो रवि कुमार, जय सोजा, साकिब हमज़ा, राहुल, विद्या कार्तिक, अजीत सिंह, मनोज साहू, सौरभ कुमार, राजू ठंडर, हरजिंदर सिंह, जोगेश कुमार, सद्दाम अहमद, शिवम शुक्ला, सुरजान सिंह वर्मा, रेल्स फैंस क्लब बाय अंकित, सुभाजीत कर्माकर,
वर्षित चौधरी, चेतन सांगवी, इंदिरा चरानिया, बलजीतम बीत, आदित्य सिंह, रोहित बंसल, नारायण पारीख, पौरवा पाटिल, निमेश इसूर, यादव आनंद, विकास कुमार गर्ग, हरि नारायण दुबे, अरविंद सेठी, वीरेंद्र शाह खाटरकर, शशिकांत बेहूरिया, विकास रंजन सिंह, गोपाल पुरोहित, गौरव कुमार, सिद्धार्थ पुरकास्था, नील नायक, शशि निगम, सुदीप चक्रवर्ती, अजय सिंह, सुरेश चंद्र शर्मा, चेतन शर्मा, प्रदीप पांडा, गुनावत चौधरी, वैशाख खे, आशीष, अभिषेक कुमार गुप्ता, हफीज खान, सत्येंद्र कुमार, के पटेल, आदिति नहाटा, ए कुमार, आरिफ हुसैन, अजय कुमार, एस पटेल, एस कुमार, गणेश बाला सुब्रमण्यम और गणेश बाला सुब्रमण्यम जी हैं। इसके अलावा डी सिंह, रुपेश कुमार पंडित, जितेंद्र यादव, राहुल मिश्रा, पुष्पेंद्र मीना, रब्बार हुसैन, धीरज कुमार, सुमन दास, प्रकाश पटेल, पिनाकी मोहंती, सुहेल जायसवाल, परमेश सिंह, वीरेंद्र कपूर, अंकुश शर्मा, प्रीति नरूले, नील गोदारा, सौरभ, मानस मिश्रा, सुदीप राय, मनोरंजन कुमार, आकाश दसरविंद्र, विजय कुमार, प्रतीक मच्छी, सुनेंद्र सारो, ध्रुव सिंह, रोहित पालखे, अतांश राजपूत, सत्यम पटनायक, निशा जोशी, विकास शिरोन, बिपाई किशोर, ताराचंद, राकेश सरकार, बिट्टू डिजिटल, सारिका पावड़े सरोदे, कुंदन कुमार, अंशुल सिंह, मनीष कुमार, मनोज लुखार, रासिका कुम कामकर, चंद्रशेखर पटेल, देसाई मनोज, हरनाम सिंह, गौरव मई, मिशेली कुमारी, कपिल गुप्ता, प्रियांश वर्मा, प्रवीण गौतम, वकार हैदर, आगड़ महेश्वरी, आगरा महेश्वरी, आचार्य शैलेश तिवारी, अमर मोंडल, शांतनु त्रिपाठी, योगेश मनेरिकर, स्नैपर नूब, निरंजन बोहरा, पवन नेम, अर्जुन महोदर, सुधीर यादव, राम आशीष यादव, अमन कंबोज, अविनाश रंगा, शेखर श्रीवास्तव, अजीम जमाल, अमित वर्मा, शाहबाज अहमद, अभिषेक केडिया, नवजीत सिंह, हसन रजा, दीपेश कुमार, मनीष, मीता भट्टाचार्य जी, दीपक बसीन, सूरज राजपूत, रवि शर्मा, कादिर अली, मनोज अली असगर कागड़ी, आनंद समीर गुप्ता, आद्रियान अगस्तस, अशोक लोहान। तो बहुत सारे आप लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।